है एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? आई होप कि ठीक ठाक होंगे। गाइस, आज आपके लिए स्किन केयर के हवाले से एक रेमेडी लेके आई हूँ। आई होप कि आपके लिए यूज़फुल होगी। तो सबसे पहले तो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिए, क्योंकि जहाँ पे स्किन केयर की बात आती है वहाँ पे सबसे पहले माइंड में जो चीज़ आती है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पानी पिए। जितना आप ज़्यादा पानी पिएगे आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट रहेगी, ग्लो करेगी और फ्रेश रहेगी। यूज़ किया करें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से, ये होगा कि कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी स्किन पे नहीं होगा और बहुत यूज़फुल होगा आपकी स्किन के लिए। स्किन फ्रेश रहती है, ग्लो करती है। तो सोचा कि आप लोग के साथ भी आज की रेमेडी शेयर करती हूँ। आपसे जो आज की रेमेडी मैं शेयर कर रही हूँ ये बहुत इजी है, इजीली आपके किचन में ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बात यह है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उससे फेस पैक बनाऊँगी और आप लोग के सामने अपने फेस पर अप्लाई भी करूँगी। वीक में एक से दो बार तो लाजमी अप्लाई करती हूँ, तो आप भी कोशिश कीजिएगा, अप्लाई कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, मुझे बताइएगा कि आपको अप्लाई करने के बाद कैसा फील हुआ। हाँ जी, तो अब आ जाते हैं अपने फेस पैक की तरफ। तो ये फेस पैक जो है मैं वीक में एक से दो बार लाजमी अप्लाई करती हूँ। कि हम फेस पैक फेस मास्क बनाना स्टार्ट करें, प्लीज़ जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल देख रहे हैं और उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिए, उससे ये होगा कि नई वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाया करेगी। तो आज जो फेस पैक बनाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए वो आप लोग के किचन में मैंने जो पहले बताया कि ईज़िली आपको मिल जाएंगी, उसके लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड। हाँ जी, तो गाइस यहाँ पे हमें जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है इस फेस पैक को बनाने के लिए वो यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके किचन में सारी चीज़ें इजीली तकरीबन डेली हर घर में यूज़ के लिए होती हैं, तो आपको घर में ये चीज़ें मिल जाएंगी। स्पेशली इसके लिए आपको बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। तो जब भी आपका दिल हो ये फेस पैक लगाने का तो आप किचन में जाके ये चीज़ें निकालो फ्रिज से और लगा लो। तो इसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे बेसन और दही, इसके अलावा हमें चाहिए हल्दी और लेमन और हनी यानी कि शहद। तो यहाँ पे फेस पैक बनाने के लिए हम एक स्पून जो है चम्मच भरा हुआ लेंगे, और उसके साथ हम ऐड करेंगे जी हल्दी। हल्दी तकरीबन एक चम्मच का एक हिस्सा इसमें ऐड करेंगे। वैसे हल्दी जो है वो बहुत अच्छी है स्किन के लिए, तो आप मकदार थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। तो अगर आप ज़्यादा भी डालेंगे तो आपकी स्किन को नुकसान नहीं देगी, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। हनी भी तकरीबन एक हिस्सा मैं उसमें डालूँगी, इस फेस पैक में शामिल करेंगे हम हनी। ये सारी चीज़ें मिक्स करके हम फेस पैक बनाएंगे और फेस पे लगाएंगे और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। स्किन हमारी ग्लो करेगी और फ्रेश रहेगी। तो गाइस इसके बाद हम इसमें मिलाएंगे जी योगर्ट यानी दही। दही हम तकरीबन इसमें मिक्स करेंगे डेढ़ चम्मच, यहाँ पर एक चम्मच में लिया था और आधा चम्मच मैंने बाद में इसमें ऐड किया था। तो दही भी ये है कि अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में एक चीज़ बना रहे हैं, यानी कि अगर सम टाइम किसी ने फेस पैक ज़्यादा बनाना है, यानी कि आपने फेस के अलावा अपने बाजू पे, हाथों पे या नेक पे भी लगाना है, तो ज़ाहिर है वो पैक आपको ज़्यादा बनाना है, तो उसके लिए आप ये चीज़ें कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ हम ऐड करेंगे जी हाफ़ लेमन। तो हाफ़ लेमन को हमने यहाँ पे लिया है, हाफ़ लेमन को अच्छी तरह निचोड़ेंगे और उसके बाद इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ताकि ये जो आप देख रहे होंगे कि बेसन में छोटे छोटे जो ये गुठलियाँ सी बनी हुई हैं, इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि ये बाकी ना रहे।
अभी आप देखेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ मिक्स करके के बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद हमने इसको अप्लाई करना है। तो गाइज़ इसको आपने बहुत थिक बनाना है, इसलिए कि जब आप उसको फेस पे लगाओ तो उसके कतरे नीचे नहीं आने चाहिए। देख सकते हैं तो हमारा फेस पैक कुछ इस तरह से रेडी है। फेस पैक का मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है बेसन। बेसन जो है वो आपकी स्किन को क्रिस्टल क्लियर करता है और आपके फेस पे अगर कोई एक्ने है तो उसको रिमूव करता है। वो ऑयली स्किन वालों के लिए बड़ा ही बेहतरीन है। जिनकी स्किन मेरी तरह ऑयली है वो इस फेस मास्क को रेगुलर अप्लाई करें तो उनके जो ऑयल है स्किन में वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है, उसको कंट्रोल करता है उस ऑयल को ये वाला फेस मास्क। और इसके अलावा सबसे जो इस फेस मास्क की या इस पैक की सबसे जो अच्छी बात है वो ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले हमने करना ये है कि अपने फेस को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ये वाला पैक अप्लाई करना है। तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। को आपकी मर्ज़ी है कि आप अपने इस तरह से हाथ से लेके भी अप्लाई कर सकते हो और ब्रश से भी अप्लाई कर सकते हो, तो आप उस तरह अप्लाई करो। तो मैं तो हमेशा ब्रश से ही अप्लाई करती हूँ ज़्यादातर, कभी कभी हाथ से भी कर लेती हूँ, तो मैं ब्रश से अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी। पैक को आप नेक पे, बाजुओं पे और हाथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते हैं ये फेस मास्क, अभी मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। गाइज आप ये अप्लाई करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, बहुत यूज़फुल है। तो गाइज़ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने सारे फेस पे ये वाला पैक जो है अप्लाई कर लिया है। इसको अब हम तकरीबन 5 to 10 minutes जो है वो फेस पे लगा रहने देंगे और उसके बाद वॉश करेंगे ठंडे पानी से। तो अब मैं ऐसे करूँगी तकरीबन जब ये ड्राई हो जाएगा पाँच से दस मिनट के दरमियान में, तो मैं इसको हल्के हाथों से स्क्रब करूँगी और उसके बाद फेस वॉश करूँगी। तो आप लोग भी ऐसे कीजिएगा और इसके बेस्ट रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, ट्रस्ट मी। आपकी ये फेस पैक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। तो आप अपनी स्किन पे इसको अप्लाई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इसका रिज़ल्ट कैसे लगा। अब आपको नज़दीक से अपना फेस दिखाती हूँ कि मेरे फेस पे कितना ग्लो आया है इस फेस मास्क को अप्लाई करने के बाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।